तो एस्ट्रिफिकेशन भी होता है और डीएस्ट्रिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है. दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड कैटलिस्ट बीइंग यूज्ड. ठीक है. और दूसरी चीज, ऑब्वियसली अगर H2O वगैरह को हम निकालते जा रहे हैं जो फॉर्म हो रहा है, या एक्सेस ऑफ ROH डाल लेते हैं, तो इन दोनों केस से फॉरवर्ड फेवर्ड चीजें हो जाती है. ठीक है, दैट्स वन थिंग. अब सेम चीजें अप्लाइड होती हैं हमारी लगभग सिमिलर एस्ट्रिफिकेशन विथ असाइल हैलाइड. असाइल हैलाइड में द रिएक्शन बिकम्स बिट मोर फास्टर. कैन आई यूजिंग असाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन. सो बेसिकली एक्स जो होता है वो ओएच के रेस्पेक्ट में ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होता है, और ये हमेशा मतलब वैसे रिवर्सिबल है बट मोस्टली फॉरवर्ड फेवर्ड रहता है ये. और डायरेक्ट बेसिकली ये लोन पेयर ऑफ ओ जो है दैट कैन अटैक ऑन दिस सी, एंड ये बॉन्ड ओपन होता है और फिर से ये बॉन्ड क्लोज होता है, तो एक्स जो है वो बाहर निकल जाता है. ठीक है. और एक्स बाहर निकलने के साथ साथ ये एच जो होता है उसको भी बाहर लेते जाता है. सो एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है, और वो इंटरमीडिएट होता है कुछ इस तरह का, आर सी ओ माइनस एक्स ओ एच आर डैश प्लस. ये बात समझ में आ रही है? यस और ये क्लोज होएगा तो ये एक्स बाहर निकलेगा, एक्स अपने साथ इसको भी लेकर के बाहर निकलेगा, मतलब एक्स निकलेगा और वो इस एच प्लस को भी लेता जाएगा अपने साथ. ठीक है. सो वी विल हैव फाइनली आर सी डबल बॉन्ड टू ओ आर डैश प्लस एच एक्स. एच एक्स कैन रिएक्ट विथ पिरिडीन टू मेक दिस फॉरवर्ड फेवर्ड. हाँ सर, OH माइनस के H को निकालने के लिए बहुत अच्छा बेस लगता है ना, या फिर मिड जाओ नहीं तो नहीं उसमें इजी, चलता ये प्लस बनने के बाद है? बहुत इजीली निकल नहीं नहीं जाता. नॉर्मली OH माइनस के हाँ, ओ एच माइनस नॉर्म का एच, मतलब आर ओ एच का एच निकालने के लिए ना. हाँ, ROH का फॉर दैट रिक्वायर सम गुड बेस. हाँ ठीक है. ठीक है. तो ये इंटरमीडिएट होगा जो यहाँ पर रहेगा. यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दिस हेल्प्स इन स्टेप वन रिएक्शन टू मूव फॉरवर्ड पिरिडिन का प्रेजेंस, और पिरिडिन मे रिएक्ट विद एसाइल हैलाइड टू फॉर्म एसाइल पिरिडिनियम आयन. ये आयन का फॉर्मेशन करता है विच इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स एसएन रिएक्शन. सो बेसिकली अगर ये बन जाता है, ये खुद एक्स माइनस को एलिमिनेट कर लेता है, तो दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. और इसको बेसिकली आर डैश ओ एच जो है वो और ज्यादा इजीली रिमूव कर सकता है. इज दैट ओके? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसके ऊपर अब अगर आर डैश ओ एच आता है तो ये ओ का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, एंड ये ओपन हो गया फिर क्लोज होएगा, तो ये और आसानी से एक्स के भी कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट ये रिएक्शन हो जाएगा. किसी भी एक्स को लेते हैं हम, उसके बदले अगर ये वाला अगर बन गया पिरिडिनियम आयन बन गया, एसाइल पिरिडिनियम आयन, तो फिर द रिएक्शन इज गोइंग टू बी मच फास्टर. इज दैट ओके? बिकॉज दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, दिस हैपेंस टू बी अ गुड लिविंग ग्रुप. नेक्स्ट, इसका स्पेसिफिक एग्जांपल है बेंजोइल क्लोराइड लिया, ETOH लिया, वी हैव इथाइल बेंजोएट एंड पिरिडिनियम क्लोराइड. और द रिएक्शन ऑफ असाइल हैलाइड विद अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर अकर्स मोर रैपिडली एंड डज नॉट रिक्वायर अ एसिड कैटलिस्ट. जैसा हम लोगों को नॉर्मल वाला केस में लगा था, नॉर्मल वाला यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में एसिड कैसेट कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी थी हमको, एसाइल हैलाइड के साथ में हमको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती.
ठीक है, पिरिडिनियम क्लोराइड को जो यूज कर रहे हैं आप, बेसिकली रिएक्शन को फर्दर फॉरवर्ड मेकिंग प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। रिएक्शन को पुल करने या रिएक्शन को कराने के लिए हमको जरूरत नहीं होती है उसकी। इज दैट ओके? नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ दिस, और सॉरी, रिएक्शन ऑफ ROH विथ एसिड एनहाइड्राइड। अगेन, ये भी एसिड कैटलाइज नहीं होता है, ये नॉर्मली हो सकता है। वी हैव दिस R-OH, ये एनहाइड्राइड R-OH से रिएक्ट कर रहा है, वी हैव फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O, OR- प्लस RCOOH एसिड। तो एक पार्ट एसिड बन जाता है और दूसरे पार्ट के साथ ये ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। स्पेसिफिक एग्जांपल, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड बेंजो बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म बेंजाइल एसीटेट यार। बताइए, ये गड़बड़ कर दिया है इन लोगों ने एग्जाम्पल में, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और ये सोलोमन्स में गलत कर दिया है। दिस शुड हैज टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, एक सेकंड, ठीक, पूरा ही एक साथ है। एक सेकंड, मैं इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है ना, प्रोडक्ट पार्ट गलत। ठीक है, इट इज गोइंग टू, मतलब देखना है, कंपेयर करना है तो कर। और इसमें जो गलत पार्ट गलत है वो यहाँ पे, ये बेसिकली दूसरा बेंजीन रिंग जो है ना, दैट इज नॉट, दैट हैज नॉट टू बी देयर। दिस इज गोइंग टू फॉर्म दिस, हमारा ठीक है, ठीक
ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा एम प्लस एसिटिक एसिड, इज दैट ओके? हेलो, ये बात हाँ समझ में आ रही है? ठीक है, वो एनहाइड्राइड में बेसिकली बेंजीन रिंग नहीं है, वो बेंजीन रिंग उन्होंने गलती से डाल दिया है, दैट शुड नॉट बी देयर। ठीक, आई थिंक नाउ यू गाइस कैन कंपेयर इट, व्हाट इज रॉन्ग? ठीक है ना? ओके, सो एनहाइड्राइड से भी से जब हम बनाते हैं, वी डोंट रिक्वायर एसिड कैटलिस्ट, ऑटोमेटिकली ये होता है। ईस्टर इन एब्सेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट जस्ट लाइक एसाइल हैलाइड, यहाँ पर ये एक एनहाइड्राइड लिया है हमने, दिस इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल से करा रहे हैं एट 110 डिग्री सेल्सियस, एंड वी आर हैविंग फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन थैलेट ईस्टर। ठीक है, इसमें से इस कार्बन के ऊपर बेसिकली ये ओ जाकर के अटैक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, एच इस पर आ जाता है, जो कि ये बन गया, और यहाँ से सेकेंड वाले कार्बन से ये बेसिकली अटैच हो जाता है यहाँ से, इज दैट ओके? सो इस तरह का ये ईस्टर फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसएस्टरीफिकेशन। ट्रांसएस्टरीफिकेशन इज अ वेरी इजी एंड यूजफुल मेथड, बेसिकली फैट्स वगैरह से ईस्टर बनाने में हम इसका यूज करते हैं। इसमें होता ये है कि यू हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट ईस्टर दैट कैन रिएक्ट विद अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल, दिस इज गोइंग टू मेक अ हायर बॉइलिंग पॉइंट ईस्टर, ये हाई था, इससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला ईस्टर बनेगा, और ये आर डैश ओ एच जो बना हमारा, दैट हैज टू हैव लोअर दिस थिंग बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ये जो होगा इसका इसके कंपैरिजन में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट वाले ईस्टर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, रिएक्टेंट वाले अल्कोहल के बदले में या उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट में जो आरओएच बन रहा है हमारा, दैट इज गोइंग टू हैव लोअर बॉइलिंग, इज दैट ओके? द स्पेसिफिक एग्जांपल इज आल्सो गिवन, मिथाइल एसिटेट रिएक्टिंग विद ब्यूटाइल अल्कोहल एंड वी हैव ब्यूटाइल एसाइलेट, सॉरी एक्राइलेट, इज दैट ओके? ट्रांसएस्टरीफिकेशन क्यों करते हैं? लो बॉइलिंग, हाँ सॉरी, हाई बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से हम लो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल जनरेट करते हैं फ्रॉम अ गिवन स्टेट, इज दैट ओके?
हेलो। ये देख लिया हम लोगों ने एग्जाम्पल। नेक्स्ट थिंग इज, सो दैट वाज द दोज वेयर द रिएक्शन इन विच द एसिडिक हाइड्रोजन वाज ऑफ द अल्कोहल वाज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। नाउ द सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शंस इज वेयर आर एंड ओ बॉन्ड गेट्स क्लीव टू फॉर्म सम और द अदर कंपाउंड। ठीक है, इसमें आइडिया आर ओ एच में ओ एच माइनस जो होता है दैट इज अ गुड बेस, हेंस अ पुअर लिविंग ग्रुप। दस वी फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट ओ एच माइनस या ओ एच इन टू अ गुड लिविंग ग्रुप। दैट कैन बी डन बाई टू मेथड्स। पहला प्रोटोनेशन करके एच प्लस एड कर देंगे तो एच टू ओ जो है ये अब बना, ये एच टू ओ अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि वीक बेस होता है। ठीक है, एंड दूसरा जो होता है तरीका उसमें होता है वी हैव टू ट्रीट दिस अल्कोहल विथ आइदर टोसाइल मिसाइल ट्राइफाइल या नोसाइल। इनमें से किसी के साथ भी हमको इस आर ओ एच को ट्रीट करना होता है। ठीक है, सो आर ओ एच के साथ रिएक्ट करके ये टोसाइल मिसाइल एंड ट्राइफिलाइल दे क्रिएट टोसाइलेट आयन मिसाइलेट आयन एंड ट्राइफिलेट आयन। हेलो। सो वी हैव फॉर्मेशन ऑफ टोसाइलेट मिसाइलेट एंड ट्राइफ और ट्राइ फ्लेट ट्राइ फ्लैट बोलते हैं उसको। ट्राइफाइल से ट्राइ फ्लेट बनेगा, ट्राइ फ्लैट जो होगा वो ये है अल्काइल ट्राइ फ्लेट एंड अल्काइल टोसाइलेट एंड अल्काइल मिसाइलेट। एमई सी एच थ्री या एमई एस डबल बॉन्ड ओ ओ आर दैट इज मिसाइलेट। टोसाइलेट में यू हैव अ टोल्यून अटैच टू सल्फर विच इज बॉन्डेड टू टू ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड्स एंड इज कनेक्टेड टू वन ऑक्सीजन विच इज देन लिंक टू आर एंड दिस इज कॉल्ड टोसाइलेट एंड अराइल ट्राइफिलेट सॉरी एंड अराइल ट्राइफ्लैट अराइल ट्राइफ्लैट बना लेते हैं। और इनके बनाने से होता क्या है कि दीज हैपेंस टू बी वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, ऑक्सीजन या ओएच के साथ रिएक्ट करके ये ओ के साथ अटैच हो जाते हैं और ओ के साथ अटैच होने के बाद ये ओ को अपने साथ लेकर के निकलने के लिए कैपेबल रहते हैं एंड दे टेक इट अवे विथ लेस ऑफ एनर्जी ऑफ ये रिक्वायरमेंट। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो बेसिकली टोसाइल मिसाइल ट्राइफाइल से ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप कंपेयर टू दैट ऑफ ओ एच माइनस। इज दैट ओके? पाथवे आफ्टर प्रोटोनेशन और मिसाइलेट टोसाइलेट और ट्राइफिलेट फॉर्मेशन मिथाइल और एंड 1 डिग्री गोज वाया एस एन टू मैकेनिज्म वेयर एज 3 डिग्री अल्कोहल गोज वाया एस एन वन मैकेनिज्म। 2 डिग्री अल्कोहल जो है अगर गुड बेस रहा तो एलिमिनेशन हो जाएगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल रहा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन अगर होता है तो फिर अगेन उसमें अब हमको देखना होगा कि आयन्स के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी क्या है। कैन इट फॉर्म अ गुड कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन या
स्लाइटली स्टेबल कार्बो कैटायन, तो इट विल गो वाया SN वन और टू, सॉरी SN1, और अदरवाइज अगर कैटायन उस पे स्टेबल नहीं है किसी रीजन से, देन इट इज गोइंग टू बी SN2। मेकिंग सेंस? स्टेप्स, और स्टेप वन में अल्कोहल इज रिएक्टिंग विद TSCl, और ओ के ऊपर बेसिकली ओ ये एच को हटाता है TS और यहां पर अटैच होता है, तो द कॉन्फिगरेशन ऑफ ओ TS इज गोइंग टू बी सेम एज दैट ऑफ दैट इन विच द रिएक्टेंट वॉज टेकन। ठीक है, क्योंकि वो रिएक्टेंट में जो पोजिशन ऑफ ओ एच रहेगा सिर्फ उसी के साथ रिएक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल कैन देन अटैक ऑन द कार्बन सेंटर एंड दीज द आयन,
इज गोइंग टू बी अ बेटर लिविंग ग्रुप, अ मच बेटर लिविंग ग्रुप। और यहां पर ये छोटा सा रिएक्शन है, यू कैन सी यू हैव ओटीएस बीइंग फॉर्म्ड। कैसे होगा? तो पहले ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, उसमें टोसाइलेट या टोसाइल ग्रुप के साथ इसका ट्रीटमेंट, टोसाइल किसी भी अल्काइल टोसाइल को ले लेंगे और उससे हमारा ओटीएस बन जाएगा। नाउ एनएओएच, NaOCH3, NaOCH3 को CH3COOH के प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराते हैं। द रिएक्शन इज सच दैट दिस ओटीएस इज रिप्लेस्ड बाय, सॉरी इट इज नॉट रिप्लेस्ड, रादर 2 डिग्री होने की वजह से द एलिमिनेशन विल प्रेडोमिनेंट थिंग, सो देर विल बी एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स दैट विल फॉर्म। ठीक है, अगर 1 डिग्री होता है तो सब्स्टिट्यूशन, 2 डिग्री पर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इसकी वजह से वी आर गोइंग टू हैव और वी आर गोइंग टू सी द एलिमिनेशन। इज दैट ओके? ठीक हेलो यार ओके। नेक्स्ट रिएक्शंस जो है उसमें एसिड कोई भी हम ले सकते हैं, H2SO4, H3PO4 या फॉर दैट मैटर Al2O3, ये तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। और इसमें थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी होती है, टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर प्रोडक्ट चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे H2SO4 अगर हम यूज कर रहे हैं कंसेंट्रेटेड लेस देन 110 डिग्री सेल्सियस पर, देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सॉरी कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 110 के नीचे अगर हम कर रहे हैं तो देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन बाइसल्फेट बेसिकली फॉर्म करता है ये, जो भी हमारा अल्कोहल होगा और इसमें से एक एच निकल करके इस H2O को गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा, OH को H2O में कन्वर्ट करके गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा, और HSO4- जो था वो इस पर आकर के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। टेम्परेचर अगर थोड़ा बढ़ाए सो बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट अल्काइल सल्फेट। ठीक है, सॉरी अल्काइल बाई सल्फेट। अगर कंसेंट्रेटेड H2SO4 ग्रेटर देन 130 डिग्री सेल्सियस या Al2O3 250 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं और साथ में जो H2SO4 के लिए रेंज है हमारा ना, वही रेंज लगभग H3PO3 के लिए भी रहता है। सो ये 1 डिग्री के लिए है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 130 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर हम लेकर के जाते हैं वी आर गोइंग टू हैव ईथर फॉर्मेशन। फर्दर थोड़ा और टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देते हैं 170+ पर चले जाएंगे तो वी आर गोइंग टू हैव एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज अल्कीन फॉर्मेशन। ठीक है, सेम सेट ऑफ रिएक्शन, जैसे ये दे रहा है अलग अलग टेम्परेचर, वही सेम रिएक्शन अगर हम H3PO4 भी यूज करते हैं ना तो मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल से हमको ईथर प्रोडक्ट, सॉरी अल्कीन प्रोडक्ट जो है दैट इज गोइंग टू अपियर एट 70 to 80 या प्लस। 2 डिग्री अल्कोहल से हमको ईथर्स मिलेंगे एट बिटवीन 110 to 140 डिग्री सेल्सियस। थर्ड वाला जब आएगा 3 डिग्री वाला, तो वहां से 25 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही ये प्रोसेसेस हो जाएंगे। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस डिहाइड्रेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस एट दिस 25 to 80 डिग्री सेल्सियस जोन में हो जाएगा। प्रोडक्ट्स
सो बेसिकली 110 डिग्री से कम पर, 110 डिग्री से कम पर 1 डिग्री जो है सल्फेट बनाता है, और अगर फॉस्फेरिक एसिड हमने लिया है तो इधर मैंने लिखा हुआ है अगले वाले पेज पर, इट इज गोइंग टू फॉर्म ट्राई अल्काइल फॉस्फेट, इज दैट ओके? अगर 2 डिग्री हम लेते हैं तो 2 डिग्री वाले में, हाँ 110 पर हमको सल्फेट मिला, और सिमिलरली फॉस्फेट मिलेगा हम लोगों को अगर हम फॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे हैं 1 डिग्री से अल्कोहल के साथ 110 पर, ठीक है? 130 प्लस पर ईथर, और ये कंप्लीट डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट 170 प्लस पर। 2 डिग्री अगर लेते हैं तो 100 से 140 के बीच में ही ये वाली चीज हो जाएगी, डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट मिलने लगेगा। इससे थोड़ा और कम टेम्परेचर लेंगे तो ईथर प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग, ठीक है? और उससे और कम टेम्परेचर, अब उन इसके लिए है ना, जैसे H3PO4 के लिए 2 डिग्री 3 डिग्री का जोन्स जो है अलग अलग, वो एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, एग्जैक्टली डिफाइंड है, लगभग उसी रेंज में होता है, बट दैट इज गोइंग टू चेंज अ बिट। लाइक अब जैसे ये वाली चीज हो रही है 170 पर 1 डिग्री के लिए, और सेम चीज जो है 100 से 140 पर 2 डिग्री के लिए होने लगा, तो 2 डिग्री का ये रिएक्शन करने के लिए अगर मुझे अल्कोहल बनाना, सॉरी ईथर बनाना है, तो आई हैव टू ब्रिंग द टेम्परेचर अ बिट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो दैट ईथर प्रोडक्ट हमको मिले। और अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में 25 से 28 डिग्री पर ही मुझे अल्कीन मिलने लग रहा है, तो अगर मुझे ईथर चाहिए होगा तो आई हैव टू ऑपरेट बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, और इनफैक्ट निगेटिव ये में जाएंगे, मे बी -20 -30 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ये फॉस्फेट वाला जो अगले पेज पर दिखाया मैंने H3PO4 के साथ, वो फॉर्म होना चालू होगा फॉर 3 डिग्री, मे बी -30 या -20 से लेकर के 20-25 तक यू आर गोइंग टू हैव ईथर फॉर्मेशन, और 25 से 80 के रेंज में टेम्परेचर हमारा रहने लगेगा, तो वी आर गोइंग टू हैव अल्कीन फॉर्मेशन फ्रॉम H3PO4। H2SO4 के लिए भी सेम तरीके का, 170 पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, 130 पर ये हो रहा है, और 110 के नीचे हमारा सल्फेट फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये 2 डिग्री होता तो ये 110 जो है और नीचे आ जाता, मे बी इट कुड हैव बीन जस्ट समथिंग लाइक 20-40 डिग्री या 20-45 डिग्री सेल्सियस, 45 से 100 के बीच में हमको ईथर प्रोडक्ट मिलता, और 100 से 140 के बीच में हमको ईथर सॉरी अल्किन प्रोडक्ट मिलता। 3 डिग्री अगर मैं ले लेता हूँ, तो एक्चुअली हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मुझे एक एग्जांपल लिखना हो तो इट डजेंट मैटर व्हाट थिंग आई एम गोइंग टू चूज, मतलब एसिड कौन सा ले रहा हूँ उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर 3 डिग्री आया ना, तो अभी मैं 3 टेम्परेचर जोन्स रख सकता हूँ। एक टेम्परेचर जोन सबसे नीचे वाला जहां पर अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, इरेस्पेक्टिव ऑफ H2SO4 ले रहे हो या फॉस्फोरिक एसिड ले रहे हो। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, ठीक है? CCH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? इससे ईथर अगर मुझे बनाना है तो ईथर फॉर्मेशन जो इसका रहेगा, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन मे बी माइनस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस पर मुझे ईथर मिलेगा। और अब इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ईथर जो मिलेगा वो वैसे तो कम ही अमाउंट रहेगा उसका, दैट वोंट बी अ मेजॉरिटी प्रोडक्ट। रीजन क्या होगा, 3 डिग्री होने की वजह से भी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एलिमिनेशन हमको देते रहेगा, इस कंडीशन में भी एलिमिनेशन देगा। हावेवर इसके फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी रहेगी, या और ये फॉर्म होएगा इथर।
टेम्परेचर और कम कर दिया, मे बी -40 -50 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस, इस जोन में हमारा क्या फॉर्म होगा? सो वी आर गोइंग टू हैव अल्काइल फॉस्फेट, अल्काइल फॉस्फेट या फिर अल्काइल बाइसल्फेट, इज दैट ओके? ये वाली बात समझ में आ रही है? हेलो, यस ओके। स्पेसिफिक एग्जांपल्स दो लिया है मैंने, ब्यूटेनॉल H2SO4 130 डिग्री सेल्सियस पर इट इज गिविंग अस डाइब्यूटाइल ईथर 2 डिग्री जो है। अब ये एक नया रिएजेंट लिया है POCl3 पिरिडीन के अंदर में, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट देने लगता है। दैट मीन्स इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है? दिस इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और OH निकाल करके इट इज गोइंग टू पुट डबल बॉन्ड, एक जगह से OH और एक जगह से H ये निकालेगा एंड विल फॉर्म अल्की। सेम जनरल पॉइंट लिखा है, ईथर फॉर्मेशन इज सक्सेसफुल यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर 1 डिग्री एंड मिथाइल अल्कोहल एंड दैट टू टू प्रोड्यूस सिमेट्रिकल ईथर। सो बेसिकली ये डिहाइड्रेशन वाला जो प्रोसेस है, इससे 1 डिग्री और मिथाइल अल्कोहल्स अगर रहते हैं हमारे पास, तो वी कैन फॉर्म द ईथर्स इन मेजॉरिटी, ठीक है? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? और अगर हम सेकेंड डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो हमको एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स अगर बहुत कम टेम्परेचर भी लेकर के करते हैं, तब भी हमको एक गुड अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स मिलने लगेगा, ठीक है? ईथर प्रोडक्ट अगर मुझे चाहिए होगा, ईथर प्रोडक्ट मिलेगा तो, बट उसकी क्वांटिटी कम रहेगी 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर हम यूज कर रहे हैं। स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स H2SO4 का 140 डिग्री सेल्सियस पर इथर, यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस पर मिक्स्ड इथर, सिमेट्रिकल वाले पॉइंट के लिए बेसिकली दिया है कि अगर ऐसा अनसिमेट्रिकल अल्कोहल्स लेते हैं, तो इसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, दैट इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर, डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं होगा। यानी ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ नहीं होगा, इसके साथ तो ये दो साइड प्रोडक्ट्स रहेंगे इन गुड अमाउंट, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ छोटे मोटे रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग को थोड़ा सा देखना है। ये है बेसिकली ऊपर में जो चीज, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है ना, इस सिमेट्रिकल के लिए ही ये एसिड कैटेलाइज्ड या डिहाइड्रेशन बेस्ड ईथर फॉर्मेशन जो है, दैट इज गुड ओनली फॉर सिमेट्रिकल थिंग एंड दैट टू 1 डिग्री एंड मिथाइल। बट हियर वी हैव अ एक्सेप्शन, ठीक है, जिसमें H2SO4 को अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल एंड टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ यूज करते हैं, तो वी एक्सक्लूसिवली हैव फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग 90-95% के रेंज में ये प्रोडक्ट रहता है हमारा। और बाकी जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, जैसे आर ये और ओ और फिर आर, ये वाला प्रोडक्ट ये कम अमाउंट में रहेगा, और अल्कीन जो बनना है वो भी कम अमाउंट में बनता है। दीज आर नॉट मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस वन, ठीक है? नाउ वी आर बीइंग आस्क्ड कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऊपर में हमने बोला कि सिमेट्रिकल बनाने के लिए ही ये मेथड यूजफुल है, कौन सा मेथड? डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन मेथड, ठीक है? बट यहाँ पर अनसिमेट्रिकल होने के बाद भी यही मेजॉरिटी फॉर्म है, इज दैट ओके?
कैन वी एक्सप्लेन दिस? हेलो हेलो, क्वेश्चन का आइडिया इस क्वेश्चन का कि जनरल मेथड हमको ये बोलता है कि हमको अनसिमेट्रिकल ईथर्स बहुत कम बनेगा या साइड प्रोडक्ट्स उसके साथ बहुत ज्यादा बन जाएंगे, इसलिए अनसिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन डिहाइड्रेशन मेथड से नहीं कर सकते हम, ठीक है। अभी यहां पर एक एक्सेप्शन है, वो है ये ईथर, इट इज अ अनसिमेट्रिकल ईथर। इसका यील्ड जो होता है ये 90-95% यील्ड मेरा रहता है, विच इज वेरी हाई, ठीक है, और इसको हम डिहाइड्रेशन मेथड से कर रहे हैं। सो बेसिकली हाउ इज इट बीइंग पॉसिबल, दैट्स द की थिंग, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें गुड थिंग ये हो जाता है ना, यू हैव कैटेलाइजिंग H2SO4। Now this catalyzing H2SO4 is going to convert this thing into alkene. So this is going to be this alkene. Is that okay? And then you have electrophilic addition of ROH on this alkene. Am I making sense? हेलो, सर पहले तो वो अल्किन बना, उसके बाद क्या क्या? ROH का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हाँ ठीक, ठीक है, जिसकी वजह से ये 90-95% यील्ड दे देता है। बाकी जो है जैसे डाईथर जो रहेगा इसका या इसका डाईथर, वो दोनों की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर हो जाती है। Is that okay? यस। Okay. Now, next question is something which you guys have to practice. Let us try. यहां पर क्या दिया हुआ है? सिस थ्री मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, दिस इज साइक्लोपेंटेनॉल, तीन पर सिस है और ऑल है। तो यहां पर हम ऊपर साइड में मिथाइल डाल दें, और चूंकि सिस है, ठीक है ना, तो यहां पर ऊपर साइड में हम OH डाल लेंगे। इज दैट ओके? दिस विल बी सिस पेंटेनॉल। यस बात समझ में आ रही है हम लोगों को? अब हमको ये चीज ऐड करना है, ठीक है। तो ये ऐड कैसे होता है? मिसाइलेट टोसाइलेट बनाने टाइम में ये चीज का ही रिएक्शन था बेसिकली। देखो यहां पर ये TSCL क्या है, दिस एंटिटी, हाँ इज दैट ओके? देश पांडे एंड हर्षित, या सर, हाँ सर, अंडरस्टूड। एंड दिस सीएल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय, सॉरी, दिस सीएल एंड दिस एच आर रिएक्टिंग टुगेदर। सीएल जिस पॉइंट पर अटैच्ड है, वो वाला सल्फर का एंड आकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है डायरेक्टली, ठीक है। सो इट बिकेम OTS, क्लियर, यस विदाउट चेंजिंग द कॉन्फिग्रेशन ऑफ टोसाइलेट, यानी अल्कोहल का जो हमारा कॉन्फिग्रेशन था, दैट कॉन्फिग्रेशन इज बीइंग रिटेन्ड, क्योंकि कार्बन के ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, कायरल कार्बन है, कार्बन के ऊपर थोड़ी रिएक्शन हो रहा है, तो O के साथ ये जुड़ जा रहा है S, हाँ राइट ना? मेकिंग सेंस? यस ओके, चलो फिर दूसरी तरफ चलते हैं, इसको अप्लाई करते हैं फिर यहां पर।
सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, व्हाट इज गोइंग टू बी ए? एच को वो मतलब ओटीएस करना, और वो भी सिस में रहा राइट, बात समझ में आ रही है? हर्षित एंड देश पांडे, सर। हाँ हाँ सो ओ इज गोइंग टू हैव दिस टी एस ओवर हियर एंड इट विल बी सिस ओनली, मेकिंग सेंस? अब इसके बाद क्या किया हमने, बेसिक मीडियम और हीट डाला, तो बेसिक मीडियम और हीट में क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्या है, लिविंग ग्रुप है, अच्छा वाला, ठीक हाँ है, और हमें, हमने OH माइनस और हीट दिया है बेसिकली, सो यू कैन कंपेयर दिस विथ, मान लो इसके साथ में समझने में कुछ परेशानी हो रही है, यू कैन अज्यूम दिस टू बी मे बी अ ब्रोमीन, ब्रोमीन पे बेसिक अगर डालते हो आप तो क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ट्रांस बनेगा, ट्रांस बनेगा, ट्रांस क्या बनेगा, ओ OH अगर बहा लिया और वो दोनों एच निकल गए। ट्रांस पर आ जाएगा, ठीक है, सो यहां पर सिस था और यहां पर ट्रांस बन गया, इज दैट ओके, क्लियर यस टू अस? एम आई मेकिंग सेंस? मतलब ये वाले क्वेश्चन में खाली सिस का ट्रांस होगा, बस इतना हाँ, सिस का ट्रांस, बट एक चीज अभी भी और है, खत्म नहीं हुआ अभी कहानी, यहां पर हीट को हमने इसका कोई यूज नहीं किया, हीट का प्रेजेंस बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन से किस तरफ लेके जाएगा, है। एलिमिनेशन और एलिमिनेशन, एलिमिनेशन RX, H3PO3, PX3 के साथ, PX5 के साथ, RX, POX3, ठीक है, POX3, तो पीओ एग्जाम में बाय प्रोडक्ट भी पूछते हैं क्या? नहीं पूछते तो नहीं है, बट कभी कभार होता भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, ना तो मतलब जाने इसका हो एप्लीकेशन लगेगा ना कभी कभी। सकता है, हाँ, SO X2 के साथ वी आर गोइंग टू हैव SO2 HX एंड RX, SO2 X2 के साथ SO3 HX एंड RX, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड मिथाइल SNI इन नॉन बेसिक मीडियम एंड SN2 इन पिरिडीन और बेसिक मीडियम, ठीक है, अलाइलिक बेंजाइलिक एंड 3 डिग्री दे आर गोइंग टू फॉलो SN1, अलाइलिक बेंजाइलिक एंड 3 डिग्री SN1 विथ ऑल दीज फोर थिंग्स, इसके बाद हमारा HX है, HX विथ लेस लेविस एसिड, HX विथ H+, NaX या X- इन एसिडिक मीडियम, X- इन एसिडिक मीडियम बेसिकली ये भी है, ZnCl2, HCl गैस, दिस इज अ बिट ऑफ एसिडिक मीडियम इटसेल्फ, टोसाइल क्लोराइड पेरिडीन के साथ, RX एंड टोसाइलेट आयन बेसिकली बन रहा है हमारा, गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, और फिर हलाइड आयन जो है वो हमारा बेसिकली अटैक करता है, ठीक है, सो नाउ द थिंग इज, ये सेकेंड पोर्शन जो है, 1 डिग्री एंड मिथाइल दे हैव SN2, 2 डिग्री 3 डिग्री अलाइलिक एंड बेंजाइलिक दे आर गोइंग टू फॉलो SN1 एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट इफ द नीड बी, ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह सारी चीजें हमने हलाइड में डिस्कस करी थी, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट फर्दर, क्वेश्चंस जो है वो हम थोड़ा सा एक आध कर लेंगे इसके फिर से, सो दैट
डार्जन्स प्रोसेस एवरीथिंग इज सेम, वो एग्जैक्टली वही सीट्स कॉपी करी हैं, ये सारे रिएक्शन हमने वहां पे पढ़ लिए थे, वी डोंट नीड देम। ये एक यूनिक रिएक्शन है थोड़ा सा, इसलिए इसको यहाँ पर हाईलाइट करके मैंने कराया था। जस्ट अ सेकेंड।